कैसे हो आप सब? मेरे पास ना एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं चाय की वीडियो बना दूं। आज मैं नॉर्मल वाली तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी हटके चाय बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आप सब के साथ भी शेयर कर दूं। तो चाय बनाते हैं आज गुड़ की। अच्छा, मैं स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि काफी बार मुझे बोला गया कि चाय की रेसिपी दे दें। रेसिपी तो नहीं, चलो सबका अपना अपना तरीका होता है। चाय गुड़ की बना रही हूँ मैं। मैंने क्या किया ना, ये पानी पहले ले लिया और उसमें मैंने डाल दिया गुड़, और साथ में मैंने थोड़ी डाली है अजवाइन, सौंफ और अदरक, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने ये देखिए दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है सेपरेट सेपरेट हम डालेंगे। अगर एक ही बार डालेंगे तो चांसेस होते हैं कि आपकी चाय बने ना, बल्कि दूध जो है फट सकता है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए आज मैं इस तरह से चाय बना रही हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। जब तक चाय बन रही है, मतलब थोड़ा उसको टाइम लगेगा ब्रू होने में, जब तक वो हो रहा है, तो तब तक आपको आज बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। देख लीजिए, दिन काफ़ी साफ है, बारिशें तो जैसे चली गई हैं अब पुणे में, तो धूप निकली हुई है, एकदम सनी वेदर है, और पहाड़ी देख लें मेरे सामने जो है एकदम ग्रीन हो चुकी है और बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मेरा पता क्या मन है आपको, मैं दिखाती हूँ जूम करके। जो पहाड़ी है ना, जूम किया है मैंने, आई होप आपको नज़र आ रही हो। तो वहाँ दूर जो पहाड़ी नज़र आ रही है, वहाँ पे राइट, तो वहाँ ना मेरा बहुत मन होता है कि कभी तो वहाँ जाऊँ और यू नो कुछ बारबेक्यू वगैरह करें और वहाँ पे बैठ जाए आराम से। तो अब बारिशें रुक गई हैं, तो आई होप कि इस तरह का प्लान मैं किसी दिन बना लूँगी और फिर हाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूर मैं वहाँ पे व्लॉग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरी बालकनी और मेरे प्लांट्स, एक प्लांट मैंने नया लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। इसमें पता है क्या, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, बहुत बड़ा एक फ्लावर आएगा, तो इसको क्या करना पड़ता है, इस तरह से पानी इसमें हमेशा रखना पड़ता है। तो जब फ्लावर आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा फ्लावर आता है, इस पे एक ही बंच आएगा। और ये मैंने कुछ नए ऑफिस टाइम इसको बोलते हैं, आई डोंट नो वाई इसका नाम ऑफिस टाइम है, बट ये बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ धूप के टाइम अच्छा हो सकता है, क्योंकि ना धूप में खिलते हैं और शाम होते होते ये बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको ऑफिस टाइम कहा जाता है। तो ये मेरा एक कॉर्नर है बालकनी का, एंड इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पे प्लांटर्स अपने रखे हुए हैं। शाम को बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ भी ये ऑफिस टाइम ही है, लेकिन इन पे अभी फ्लावर्स नहीं है। जब आएंगे तो आई विल डेफिनेटली गिव यू अ राउंड ऑफ माई बालकनी। कुछ प्लांटर्स मैंने इस तरह से हैंग किए हैं बाहर की तरफ, ये भी देख रहे, ये इस साइड पे भी है, और एक मैंने क्या किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे, ये एक फ्रूट्स की पेटी रहती है ना, तो ये वो ली है मैंने, के अंदर इस तरह से शीट बिछा के, और यहाँ पे भी मैंने ऑफिस ऑफिस लगा रखा है। और ये है मेरा दूसरा कॉर्नर बालकनी का। अच्छा, ये तो ना प्लांट, ये मेरा पाम अंदर रखा हुआ है, सूख गया था, मैंने पत्ता इसका काटा तो यहाँ पे ऐसे ही रख लिया मैंने, मेरा मन नहीं हुआ इसको फेंकने का। तो दिस इज़ माई अनदर क्रिसमस ट्री, जो कि क्रिसमस के टाइम पे काम आएगा सजाने के लिए। और ये मेरा एक कॉर्नर है, ये देख लें, यहाँ पे मैंने इस तरह से ये प्लान किया है इसको चढ़ाने का, ये बेल चढ़ जाएगी तो आई वॉन्ट कि पूरा कवर हो जाए। इस तरह से मेरा कुछ मनी प्लांट जो है, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा हो गया है, ये यहाँ से निकल रहा है, काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो इसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये भी सब ऊपर ऐसे कवर हो जाएगा, तो आई थिंक इट विल लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए चाय देख लेते हैं, उबल गई होगी काफ़ी। लेट्स जी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा गुड़ जो मैंने डाला था जैगरी, वो इसमें डिसॉल्व हो चुकी है, और दूध भी मेरा बॉयल हो गया है। इसको बंद कर देते हैं और अब हम अपनी चाय रेडी करते हैं। तो ये जिसमें मैंने अपना गुड़ मेल्ट किया था, उसी में चाय पत्ती डाल रही हूँ, और अब इसको पकाते हैं।
आवाज सुन रहे हैं आप, और खुशबू जो आ रही है ना, ओ माय गॉड, आई कांट डिस्क्राइब। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है चाय, क्योंकि इसमें हमने नॉर्मल शुगर नहीं डाली है, गुड़ से बना रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी हेल्दी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई नो बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता चलता है कि गुड़ की चाय कैसे बनानी है, तो आई होप कि उनके लिए ये वीडियो हेल्प करेगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को प्लीज़, एंड बेल आइकन, यस ज़रूर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। वैसे तो आप ढूंढेंगे तो शाइन वर्किंग मॉम से आपको इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी, बट स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है? तो चलिए अब मैं चाय सर्व करती हूँ। अच्छा, ये कप एंड सॉसर ना मुझे बहुत प्यारे हैं, ये क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया था। आप देखें बताएं कैसे लग रहे हैं आपको। आई लव दिस टी सेट। तो ये डाल लिया हमने पहले अपना गुड़ वाला चाय वाला पानी, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ दूध। ये देखें चाय का कलर, दूध आप अपनी मर्जी से डालें। देखा, अब कोई चांस नहीं है कि आपकी गुड़ वाली चाय जो है वो फट जाए। इस तरह से बनाइए और मज़ा लीजिए इसका। ये फ्रेंड्स, चाय हो गई रेडी, तो चलिए अब हम करते हैं इसको एंजॉय, और आप भी प्लीज़ बना के मुझे बताइएगा, ठीक है? और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।